आप सबसे पहले इसे खट्टर लीजिए और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आप ऐसे लाइन बनाकर इसको हल्का हल्का काटिए, जिस पर इसको पूरा नहीं काटना है, ऐसे हल्का हल्का काटना है जैसे कि मैंने काटा। इस टाइप से इसको फोल्ड कर देना है, दोनों में काटना है। अब आपको इन दोनों को इस तरीके से ऐसे चिपकाना है। इस स्टेप में यहाँ एक दम यहाँ नीचे मारना है, एक दम नीचे। मैंने इसको काफ़ी अच्छे से चिपका दी है, अब इसके ऊपर पेपर लग जाएगा तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। इसको सिंपली ऐसे खड़ा करना है, मोड़ लेना है इसे थोड़ा थोड़ा। राउंड में मोड़ लेना है, ऐसा राउंड में थोड़ा थोड़ा सा सर्कल सा बना लेना। अब इसके बाद इसको खड़ा करके ये काफ़ी अच्छे से चिपक गए हैं। अब ये दोनों जो साइज है इनको भी ऐसे चिपका देना है जैसे कि अपन ने इसको चिपकाए थे। मैंने एक पेस्ट बनाया है जो कि आटे और पानी को मिलाकर फिर गैस पे रख के बना है। इसको रखने के बाद ये इस टाइप से हो जाता है, इससे पेपर वगैरह चिपक सकते हैं। अपन ने इन दोनों जगह को जो जोड़े थे तो इस तरीके से आगे से पेपर चिपकाई है और इस तरीके से पीछे से पेपर चिपकाई थी जिससे ये निकलेगा नहीं। अभी मैं नीचे से एक जैसा कर देता हूँ जिससे ये सब हिलेगा। आपको इस तरीके से सब फोल्ड कर देना है और फिर फोल्ड करने के बाद सिंपल इसको खोल कर इस तरीके से यहाँ चिपका देना है तो इसका पेट का सेप बन जाएगा। साइड से भी सकते, मैंने इसको चिपका दिया। अब इसको अभी ये देखते हैं जावर पे इसको कैसे चिपकाना है। यहाँ पे इस टाइप को मैंने सका दिया है तो इस टाइप से ऐसे ही बैठ जाना है। ये बनाने के लिए कुछ इस टाइप का शेप लेना होगा और फिर ऐसे रख के फोल्ड करके ये इस तरीके से ऐसा हाथ बन जाएगा। इसके गर्दन बन गई, वापस के ऊपर खड्डे लगा के जैसे मैंने बताया इस टाइप के डिटेलिंग कर सकते हैं। मैंने ऐसे दो पीस कर लिए हैं। बाद में जब पूरा जावर बन जाएगा तब आखिरी में इसको लगाऊंगा।
बन चुका है। मैंने इसका पूरा मेकिंग तो नहीं दिखाया पर थोड़ा थोड़ा दिखाया। इसको चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लकड़ी को चिपकाई और राबड़ गेंदे को सेला, दोनों के लिए वैसे ही किया। और यहाँ पे से पेपर कट करके चिपकाया है, यहाँ से पेपर से आउटलाइन बनी। तो गाइस रावल के जन्ने का वीडियो हम जल्द ही यूट्यूब पे डालेंगे, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।